उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम ने 5 तस्करों को काबू किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर बिहार तस्करी करके ले जाई जा रही लगभग 35 लाख रुपए मूल्य की 468 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस इस मामले में 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 2 कंटेनर ट्रक, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी, 1 रिवॉल्वर और 1 तमंचा भी बरामद किया है। सोनभद्र के घोरावल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि घोरावल मिर्जापुर रोड पर कुछ शराब तस्कर 2 ट्रकों में सैकड़ों पेटी शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलने पर घोरावल पुलिस ने एसओजी पुलिस और अन्य फोर्स की मदद से जब जाल बिछाया तो कुछ शराब तस्कर फॉर्च्यूनर गाड़ी से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो 2 ट्रकों में लदी हुई 468 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 रिवॉल्वर, 1 तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन के तहत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा के सोनीपत से बिहार शराब को ले जाया जा रहा है। लगभग 35 लाख रुपए की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की गई। 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से असले भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की यह एक बड़ी सफलता है और सफलता प्राप्त करने वाली पुलिस टीम के लिए उन्होंने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। ऑपरेशन क्लीन सोनभद्र के तहत कल सर्विलांस एसओजी और थाना घोरावल की टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। सोनीपत से चल करके बिहार को जाने वाली जो शराब है उसको उन्होंने मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कल शाम को जाल बिछाया और 2 कंटेनरों में भरी हुई करीब 468 पेटी शराब को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। ये इसकी मार्केट में कीमत करीब 35 लाख रुपए होगी और इन दोनों कंटेनरों को पास कराने वाली एक फॉर्च्यूनर को भी मौके से पकड़ा गया। कुल मिलाकर के 5 लोग हमारे कब्जे में हैं जिनसे 468 पेटी शराब जो करीब 35 लाख रुपए की है वो बरामद हुई। इनके ऊपर से 2 अदद अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और ये तीनों गाड़ियां, 2 कंटेनर और जो फॉर्च्यूनर है, इन गाड़ियों की खुद की कीमत करीब 75 लाख रुपए होगी। तो ये कल इतनी अच्छी कार्रवाई एसओजी और सर्विलांस की टीम के द्वारा की गई है। पूरी टीम के द्वारा किए गए इस गुड वर्क के लिए मेरे द्वारा उनको 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। आगे भी हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई, जो अवैध शराब या NDPS की कार्रवाई का काम करते हैं, उनके खिलाफ़ करते रहेंगे और इसमें संलिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ़ गैंगस्टर लगा करके उनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को भी कुर कराएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.